हाई गाइज़ वेलकम टू माई चैनल माई नेम इज़ प्रिया डोग्रा एन बैक अगेन विद अना द वीडियो आज की इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आई हूँ जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है सो बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से एक नई स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च की गई है आई होप सो कि ये स्कॉलरशिप स्कीम नहीं है बट uh, मैं अपने चैनल पर इससे रिलेटेड फर्स्ट टाइम वीडियो अपलोड कर रही हूँ सो सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में जिसमें आप एक लाख तक का पर स्टूडेंट को अलॉटमेंट मिल सकता है जो कि हेल्प कर सकता है आगे की आपकी पढ़ाई कंप्लीट करने में सो so, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के पास मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स दूंगी किस तरह से अप्लाई करना है कौन कौन इसके लिए एलिजिबल रहेंगे छोटी से छोटी डिटेल हम बाकी की भी डिस्कस करने वाले हैं सो so, चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को वीडियो शुरू करने से पहले एक बस छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये करना चाहूँगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल चैनल पर विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन आई वो रिक्वेस्ट यू प्लीज़ जाकर फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज इसी तरह के वीडियोस की डिटेल मैं आपके लिए डेली बेसिस पे लेकर आती हूँ जहाँ पे हम फ्री कोर्स सर्टिफिकेशन जॉब इंटर्नशिप स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है उसे डिस्कस करते हैं चलते हैं मेन प्लेटफॉर्म की तरफ प्लेटफॉर्म का नाम है विद्या सारथी ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया है और स्पेशली यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन फाइनेंस से रिलेटेड ही आपको सर्विसेज मिलेंगी दैट मींस आपको स्कॉलरशिप्स ही मिलने वाली है सो so काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट की तरफ से मनाया गया है जहाँ पर आपको बहुत सारी तरह की जो है वो स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है यहाँ पर अगर आप एन के बारे में नहीं जानते गवर्नमेंट की ही ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज़ आपको मिल जाती हैं आप देख सकते हैं कोई भी के से रिलेटेड या पैन से रिलेटेड अगर सर्व वो एन का ही एक जो है वो सर्विस के अंडर आता है इस प्लेटफॉर्म पे आपको स्पेशली सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप्स मिलेंगी सो अगर स्कॉलरशिप आज की जो हम बात करने वाले हैं उसके बारे में बात की जाए तो आपके पास यहाँ पे दो तरह की स्कॉलरशिप निकाली जा रही है पहली का नाम है टाटा रियलिटी रिनीबल स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स जो कि बी ई वी टेक अपनी परस्यू कर रहे हैं सो so बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्टिव इनका यही है स्कॉलरशिप के थ्रू कि जो भी लड़कियाँ अपना ग्रेजुएशन uh, कंप्लीट करना चाहती हैं बट अब बीच में आगे की पढ़ाई कैसे कंप्लीट करें नहीं पता ड्यू टू लैक ऑफ़ फाइनेंशियल हेल्प तो वो यहाँ पे आपको मिल सकती है गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशनल को क्राइटेरिया यही रखा गया कि मिनिमम सिक्सटी आपके क्लास ट्वेल्थ में होने चाहिए अगर आपने डिप्लोमा किया है उसमें भी सिक्सटी का क्राइटेरिया रखा गया है विच इज़ नॉट आप कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा नहीं है अंडर ग्रेजुएट अगर आप कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं बी ई बी टेक किसी भी पर्टिकुलर फील्ड से तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं स्पेशली गर्ल्स के लिए निकल कर आ रही है सो so, काफ़ी अच्छी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए मिल सकती है पाँच लाख से कम अगर आपकी इनकम है फैमिली की तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं बाकी अगर बात की जाए कब तक ये वैलिड रहने वाली है ट्वेल्थ तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ट्वेल्थ दिसंबर तक उसके बाद ये स्कॉलरशिप स्कीम की जो वैलिडिटी है वो ख़त्म हो जाएगी इसके अलावा अगर बात की जाए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछे जाएंगे तो इतने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है लास्ट ईयर की आपकी जो है अकेडमिक मार्कशीट चाहिए होगी और करंट ईयर का जो है आपका कॉलेज फीस की रिसिप्ट चाहिए होंगी जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं सारे के सारे जे फॉर्मेट में ही यहाँ पर लगेंगे बाकी आप देख सकते हैं बाकी की सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे मेंशन की गई है दूसरी आपके पास जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आ रही है वो है बी आर्किटेक्चर के लिए मतलब बैचलर्स अगर आप कर रहे हैं आर्किटेक्चर के अंदर तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं सारी की सारी कंडीशन आपको यहाँ पर सेम ही मिलेंगी बस यहाँ पर स्कॉलरशिप अमाउंट चेंज हुआ है कि जो भी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे उनको सिक्सटी पर मंथ मिल सकता है सो so, ये आप देख सकते हैं सिक्सटी थाउजेंड तक का आपको पर मंथ नहीं सिक्सटी थाउजेंड आपको ओवरऑल यहाँ पे स्कॉलरशिप अमाउंट मिलने वाला है अगर आप बी ई बी टेक कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे वन लाख ,00 मिलेगा अगर आप बी आग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सिक्सटी थाउजेंड तक का मिल सकता है बाकी की सारी डिटेल्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगी सो ये दो तरह की जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ है स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए निकल कर आ रही है जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आप देख सकते हैं विद्या सारथी की ही ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है अप्लाई करना चाहते हैं सो सबसे पहले आपको इन्हीं के पोर्टल पे जाना होगा यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा सो अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए फुल नेम डालिए जो कि आपके आधार कार्ड पे होगा मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पासवर्ड और आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करके सबमिट करना है जैसे आप यहाँ पे अपना अकाउंट एक बार क्रिएट कर लेंगे आप इनके डैशबोर्ड सेक्शन में पहुँचने वाले हैं जहाँ पर दो तरह से आपको फिल करना होगा पहले आपको अपना प्रोफाइल फ़िल करना होगा उसके बाद आपको अपनी जो है वो स्कॉलरशिप स्कीम यहाँ पर सर्च करके उसके लिए अप्लाई करना होगा सो so, प्रोफाइल के लिए मैं आपको बता देती हूँ बहुत सारी चीज़ें पूछी जा रही है एक लंबा आपका प्रोसेस पूरा रहने वाला है मेक श्योर sure कि आप इसको अच्छे से फिल आउट कर दें फर्स्ट स्टेप में आपको अपनी प्रोफाइल पूरी कंप्लीट करनी है सेकेंड स्टेप में आपको अपनी स्कॉलरशिप स्कीम ढूंढ के इसके लिए अप्लाई कर देना है ये yes, इसको बीच में प्रॉब्लम आती है देन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का और मेरे टेलीग्राम चैनल का वहाँ पर भी जाके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं आपको ट्वेंटी फोर बाई सेवन एक हेल्प जो है वो अवेलेबल रहती है मेरी तरफ से सो so, जल्दी से जाइए और इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई कर दीजिए अगर आप एलिजिबल हैं तो साथ ही साथ लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो अपलोड की थी गूगल की तरफ से आपको एक नया सर्टिफिकेशन कोर्स लॉन्च किया गया है जिसके अंदर आपको फ्री की सर्टिफिकेट दी जा रही है बस एक असेसमेंट आपको पास करनी है उससे रिलेटेड हेल्प भी अब अवेलेबल है मेरी वेबसाइट में तो आप जाके उसे भी ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी अवेलेबल रहेगा तो so, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे